अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फ़ाइज़ा वसीम। और आज के इस वीडियो का टाइटल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग अपने चैनल के लिए थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि आपके थंबनेल्स काफ़ी अच्छे होते हैं और कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि आपके थंबनेल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, आपको उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो आई डोंट थिंक, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई कि मुझे अपने थंबनेल्स चेंज करने चाहिए या चेंज नहीं करने चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने मुझे ये कहा कि आपके थंबनेल्स काफ़ी अच्छे होते हैं और आप मुझे सिखा दें कि किस तरह से थंबनेल्स क्रिएट किए जाते हैं, तो उनके लिए ही आज मैं वीडियो क्रिएट कर रही हूँ। मैं उनको ये बताऊँगी कि किस तरह से आप लोग अपने चैनल के लिए थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हो। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो वीडियो आप देख रहे हो उसके नीचे लेफ्ट साइड पर रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन शो होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और उसी के साथ एक बेल आइकन को प्रेस करके हमेशा मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रह सकते हो। सो लेट्स गो फॉर इट। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जैसा कि मेरे चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट 250 से अबव वीडियोस हो चुकी हैं, ठीक है, तो आई थिंक सामने वाले बंदे को सर्च करने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि इस चैनल के अंदर कौन कौन सी वीडियोस अवेलेबल हैं, कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर चीज़ें हैं, कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस नहीं हैं। तो अगर आप लोग ये यहाँ पे सर्च आइकन देख रहे हो, इसके ऊपर क्लिक करोगे और जो भी वीडियो सर्च करोगे, लाइक मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई हैं पहले से थंबनेल्स के हवाले से, तो लेट्स फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे थंबनेल लिखकर एंटर प्रेस करती हूँ तो आप लोग देखो यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे और ज़्यादा इसके ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए कि किस तरह से थंबनेल क्रिएट किया जाता है, लेकिन फिर भी जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ बता दें, मैं उनकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करूँगी। आज की इस वीडियो में हम ज़रूर देखेंगे कि किस तरह से मैं थंबनेल्स क्रिएट करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ कि लाजमी नहीं है कि आप लोग जो वीडियो कहो वो मेरे चैनल पे मौजूद नहीं हो, मे बी मैंने उससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हो, तो आप पहले यहाँ पे सर्च आइकन पे सर्च करके देख लिया करो कि आइदर वो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है या नहीं। जैसे कि 2 मंथ्स पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि जिसमें मैंने ये बताया था कि 4 तरीकों से आप लोग किस किस तरह से थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हो, आप चाहो तो ये वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप इसको वॉच कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम लोग नीचे चले तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने एक वीडियो बनाई है कि किस तरह से आप लोग अपने चैनल के थंबनेल को लार्ज करके फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, ये वीडियो आप देख सकते हो। अच्छा, अगर ऐसा होता है समटाइम्स के आप लोग थंबनेल बनाना नहीं चाह रहे, ठीक है, आप लोगों को नहीं पसंद थंबनेल बनाना, अब आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना रहे हो, लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ सब्सक्रिप्शन में जाके, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आप लोग वीडियो बना रहे हो कि किस तरह से पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज किया जाता है, सही है, अब आप लोग थंबनेल नहीं बनाना चाह रहे, आप लोग चाह रहे हो कि यार मुझे ये वाला थंबनेल पसंद आ रहा है और मैं इसी थंबनेल को अपनी वीडियो के लिए यूज़ करूँगी या करूँगा, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो का थंबनेल किस तरह से यूज़ कर सकते हो। और प्लस पॉइंट ये कि आप लोग इसका कंट्रास्ट चेंज कर दो, इसका ब्राइटनेस चेंज कर दो, इसकी ऑपेसिटी चेंज कर दो, कलर वगैरह चेंज करके आप लोग बगैर कॉपीराइट के इसी थंबनेल को अपनी वीडियोस के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो, इस वीडियो में डाउनलोड फुल थंबनेल फ्रॉम यूट्यूब, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है कि इस तरह से किया जा सकता है, आप लोग ये वीडियो वॉच कर सकते हो। अगर आप लोग अपने चैनल पे अपने चैनल की वीडियोस के लिए प्रोफेशनल थंबनेल्स क्रिएट करना चाहते हो तो आप लोग ये वीडियो वॉच कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम लोग नीचे चलें तो इस वीडियो में मैंने आप लोग को ये बताया है कि किस तरह से आप लोग एक ही वेबसाइट को यूज़ करते हुए अपने चैनल के लिए इंट्रोस, आउट्रोस, चैनल आर्ट, थंबनेल्स, लोगोस किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो एक ही इंटरफेस के ऊपर रहते हुए, ठीक है। इसी तरह मैंने एक और वीडियो बनाई थी किस तरह से आप लोग आई कैचिंग थंबनेल्स बना सकते हो। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे ट्यूब बडी एक्सटेंशन के बारे में, इस वीडियो में मैंने आप लोग को ये बताया कि किस तरह से आप लोग ट्यूब बडी एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए ऑटोमेटिकली थंबनेल्स को जनरेट कर सकते हो, थंबनेल्स बनाने नहीं पड़ेंगे आपको, ऑटोमेटिकली आपकी वीडियोज़ में से थंबनेल्स जनरेट होंगे। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हो। सो आई थिंक मेरे चैनल के ऊपर इतनी सारी काफ़ी सारी थंबनेल से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं, आप चाहो तो इनको वॉच कर सकते हो और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे नई वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपकी रिक्वेस्ट की रिस्पेक्ट करती हूँ
और जो आपने मुझसे रिक्वेस्ट की है वो हम ज़रूर देखेंगे कि किस तरह से थंबनेल्स क्रिएट किए जाते हैं। अच्छा, मुझे कमेंट में ये भी बता दीजिएगा कि मेरे चैनल के थंबनेल्स ठीक होते हैं या नहीं, क्योंकि कुछ लोग मुझे बिल्कुल ये कहते हैं कि आपके चैनल के थंबनेल्स बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोग बिल्कुल अपोजिट कमेंट्स करते हैं। तो मैं बिल्कुल कन्फ्यूज हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, थंबनेल्स के न्यू तरह के क्रिएट करूँ या बस सही है। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सो अब स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे लगता है मैंने काफ़ी सारा टाइम ज़ाया कर दिया, लेकिन ये चीज़ें बतानी भी इम्पॉर्टेंट थी। अच्छा, इसके अलावा ये कि आइंदा किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करने से पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को जब ओपन करते हो ना, तो ओपन करते ही सिर्फ मेरे चैनल की बात नहीं कर रही मैं, किसी भी चैनल के ऊपर अगर बहुत सारी वीडियोज़ हैं और आप सर्च करना चाहते हो कि थंबनेल से रिलेटेड कितनी वीडियोज़ हैं या व्हाट्सएप से रिलेटेड या फेसबुक से रिलेटेड, तो सिंपल आप ये सर्च आइकन अवेलेबल है आपके पास, आप यहाँ पे सर्च कर लो। अब आपको व्हाट्सएप से रिलेटेड वीडियोस चाहिए ना, तो आप व्हाट्सएप लिखो, एंटर प्रेस करो और मेरे चैनल पे या किसी और चैनल पे जितनी भी व्हाट्सएप से रिलेटेड वीडियोस होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी और आप वहाँ पे देख सकते हो कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो देख लो, नहीं है तो फिर रिक्वेस्ट करो तो ठीक है। ठीक है, लेकिन हम शुरू कर लेते हैं थंबनेल क्रिएट करना, किस तरह से क्रिएट किया जाता है। एक रफ सा आइडिया मैं दे देती हूँ। अच्छा, थंबनेल क्रिएट करने के लिए ना मैं सिंपल पावर पॉइंट यूज़ करती हूँ, कोई बड़ा सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करती, कुछ नहीं करती। लोग होते हैं वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लेते हैं, मैंने भी डाउनलोड किए थे, लेकिन ये है कि अब मैं सिंपल पावर पॉइंट यूज़ करती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को लाजमी सी बात है थंबनेल क्रिएट करने के लिए एक जो है वो बैकग्राउंड की नीड पड़ती है। बैकग्राउंड चाहिए होता है तो आप लोग गूगल में से सर्च कर लो, कोई भी HD बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक, लाइट कलर के यूज़ करो, डार्क कलर के यूज़ करो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लिखो, सर्च करो, इमेजेस में जाओ। मुझे लाइट कलर के बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे मैं लाइट कलर के बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेती हूँ। राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज किया और वापस यहाँ पे गई और कंट्रोल वी प्रेस कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास बैकग्राउंड आ चुका है। अब दूसरी चीज़, कोई भी आइकन आप लोग जिस वीडियो से रिलेटेड जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना रहे हो उसका आइकन आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, आइकन के लिए मैं ये कहूँगी हमेशा आप लोग PNG फॉर्मेट में वीडियो आइकन्स लिया करो। उससे ये होता है कि आपका चैनल जो है वो पीछे का बैकग्राउंड वगैरह नहीं आता और काफ़ी अट्रैक्टिव आप लोगों का आइकन जो है वो थंबनेल जो है वो बनता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं व्हाट्सएप से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ तो मैं व्हाट्सएप का यहाँ पे कोई भी आइकन ले लेती हूँ PNG फॉर्मेट में। ठीक है, व्हाट्सएप PNG लिखूंगी। आप लोग जिस चीज़ का भी आइकन ले रहे हो उसके साथ PNG लगा दोगे तो आपको PNG आइकन्स मिल जाएंगे। इसको मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज किया, यहाँ पे पावर पॉइंट में गई, कंट्रोल वी कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास इमेज आ गई। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा छोटा करके इसको इसकी जगह पे रख देती हूँ। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा मेरी काफ़ी सारी वीडियोस में मैं यहाँ पे एक लाइन यूज़ करती हूँ, यहाँ पे एक लाइन होती है, मतलब बॉर्डर मिल जाता है मेरे थंबनेल को। तो अगर वो आप उस तरह की लाइन वगैरह क्रिएट करना चाहते हो तो ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे इंसर्ट में जाओगे, शेप्स के ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे काफ़ी सारी शेप्स आप लोगों को मिलती हैं, कोई भी शेप उठा लो। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने स्क्वायर की शेप उठाई है और इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको ड्रॉ किया, फॉर्मेट में गई, इसका शेप कलर चेंज कर देती हूँ और जो है वो इसकी शेप की आउटलाइन भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। तो इसको हम ब्लैक दे देते हैं और इसका ग्लो वगैरह देना चाहते हो, ग्लो के लिए आपने यहाँ पे शेप इफ़ेक्ट्स में जाना है, ग्लो में जाना है, इधर से कोई कलर पसंद आ रहा है वो ग्लो दे दो या मोर कलर में जाके जो भी अपने अकॉर्डिंग ग्लो देना चाहते हो वो दे सकते हो। ठीक है, इसी को मैंने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, ये एक और आ गई, तो इसका मैंने बॉर्डर बना दिया अपने वीडियो अपने थंबनेल के लिए। ठीक है, ये छोटा सा बॉर्डर बन गया। अब रही बात दो चीज़ें, अगर आप लोग कुछ भी टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहते हो और वो उर्दू में ऐड करना चाहते हो तो उर्दू के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी वेबसाइट बता देती हूँ जिसके थ्रू आप लोग कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो।
उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे गूगल में लिखना है गूगल इनपुट टूल्स ऑनलाइन, ठीक है। और ऑल में जाओगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक आएगा इसको ओपन कर लेना। इसका इंटरफेस आप लोगों को इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट हुआ हुआ है, उर्दू में ही नहीं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। जिस लैंग्वेज में चाहते हो वो लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल यहाँ से मैं उर्दू सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगी ना वो मेरा उर्दू में टाइप होगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ, क्या लिखूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी लिख देती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने जो है जो भी लिखा है वो इंग्लिश में टाइप किया है अपने कीबोर्ड से, लेकिन वो मेरे मुझे उर्दू में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसको मैं कंट्रोल ए करती हूँ, कंट्रोल एक्स करती हूँ और वापस जाती हूँ अपने पावर पॉइंट में, कंट्रोल वी कर देती हूँ। इसका साइज़ बड़ा करने के लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है, होम में गई, यहाँ पे साइज़ आप लोग इसका जितना चाहे दे सकते हो, ठीक है। और इसको बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी कर दिया मैंने, तो ये मेरे पास उर्दू में टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। अगर आप इसका फॉर्मेट वगैरह चेंज करना चाहते हो तो फॉर्मेट में जाके इसको कोई भी शेप को कलर देना चाहते हो वो दे सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जो भी रखना चाहते हो वो रख के और इसकी पोजिशन सेट कर दो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे इंग्लिश में कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहते हो तो इंग्लिश के लिए आप लोग इंसर्ट में जाओगे, वर्ड आर्ट में जाओगे, काफ़ी सारे स्टाइल्स अवेलेबल हैं, अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्टाइल लिया और यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। टेक्स्ट लिखने के बाद आप इसकी पोजीशन सेट करोगे और पोजीशन सेट करने के बाद सेम वही चीज़ फॉर्मेट में जाओगे, अगर टेक्स्ट को कोई कलर देना चाहते हो तो वो यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। और लेकिन फिलहाल मैं टेक्स्ट को कोई कलर नहीं दे रही, हाँ इसको आउटलाइन ज़रूर दे दूंगी, आउटलाइन ब्लैक कलर की देती हूँ और इसको ग्लो भी देती हूँ मैं, ग्लो भी ब्लैक कलर का ही देती हूँ मैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से मैं थंबनेल इसकी क्रिएट करती हूँ, ठीक है। और इधर से शेप आप लोग शेप कलर जो भी रखना चाहते हो वो रख सकते हो, ओके। तो इस तरह से छोटा मोटा थंबनेल आप लोग क्रिएट कर सकते हो। रही बात जो एरो वगैरह आप लोग देखते होंगे मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी सारे, जिस तरह से ये एरो है, ठीक है। और कोई और एरो ऐड करना चाहते हो तो वो भी PNG फॉर्मेट में गूगल के ऊपर सर्च कर लो, एरो लिखो, PNG लिखो और बहुत सारे एरोज आ जाएंगे, उसको कॉपी करो, वहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। इस तरह से आप लोग अपने चैनल के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव से थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, जो मैंने पहले वीडियोज़ बनाई हैं आप लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हो, थंबनेल से रिलेटेड जो और वीडियोज़ हैं उनको वॉच कर सकते हो और उसमें भी मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से आप लोग काफ़ी अट्रैक्टिव से प्रोफेशनल थंबनेल्स, आई कैचिंग थंबनेल्स और जो है वो किस तरह से यूज़ कर सकते हो, किस तरह से बना सकते हो। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।